अब आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, आंखें बंद रहनी चाहिए। मैं बताऊंगी आंखें खोलने का असली तरीका क्या होता है। अपनी दोनों हाथों हथेलियों को रगड़िए आपस में, जोर से रगड़िए ताकि उसमें से थोड़ी सी हीट निकले। दोनों हाथों को रगड़िए, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो गर्मी निकली है उसी को आपने, हथेली को आपने अपनी दोनों आंखों पे लगाना है, बंद आंखों पर लगाइए। और अब अपनी हथेली को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी है और एक नजर सूर्य की किरणों पर। आज आपने उगता हुआ सूरज ऐसे पहली बार देखा होगा। किस किसने पूरा जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन बोली किस किसने फॉलो करी, किसको लगता है? अपना अपना हाथ ऊपर करो जिसने पूरी तरह से फॉलो करी। वेरी गुड, बहुत सच्चाई है, सच में इन्होंने ही फॉलो करी है। वाओ नवनिधि, क्या लगा आपको? मेरे मन में भगवान है। अच्छा, तो आपने भगवान से मांगा कि मुझे जल्दी से फिट एंड फाइन कर दो, हेल्दी? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस थैंक यू बोला। क्या बोला? थैंक यू बोला। ओह सो स्वीट। तो ये होता है बचपन, और बचपन में ही अगर लोगों को ये सब पता हो तो इससे बड़ी बात क्या है। आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो कैसे एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही हमें बनना है। आज तो पहला दिन था, ऐसे ही हमने बच्चे बन के एंजॉय करना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर बचपना नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब तक हम ये हेजिटेट करते हैं कि कोई मुझे देख रहा होगा और पता नहीं हंस रहा होगा, तो इसीलिए हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है? और जब आप खुद ठीक हो जाओगे तो आपको पता है हमारे साथ मान आंटी भी हैं, मतलब दादी भी हैं, उनको भी फिर हमने बोल के ही ठीक करना है, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी। तो आज से हमने ऐसे बनना है कि हम किसी को बोलें कि वो ठीक हो जाएगा और वो हो जाए। और अब कौन कौन मानता है ऐसा होता है? मैं मानती हूँ ऐसा होता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप किसी को कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे वो होके रहेगा।